हरीश रावत की फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हरीश कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता को भटकाना चाहते हैं, ये बीजेपी ने कहा है। बीजेपी एकजुट है, सरकार और संगठन मजबूती से काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये पलटवार है हरीश रावत पर। हरीश रावत की पोस्ट सियासी गलियारों में बनी चर्चा का विषय। पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखी थी। हरीश ने लिखा था, राजनीतिक अस्थिरता की ओर जा रहा है उत्तराखंड, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में हलचल। हरीश, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए बीजेपी आपराधिक स्तर तक दोषी है। राज्य के जन्म के साथ ही बीजेपी ने अस्थिरता को जन्म दिया। हरीश, अस्थिरता की गलत बीजेपी को गहरी लग गई है और छूट नहीं रही है। तो हरीश रावत ने जो बात कही थी, जो बयान दिया था, बड़ी बात कही थी अस्थिरता को लेकर, तो उसे बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी पर हमला किया था और इसी को देखते हुए बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हरीश कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता को भटका रहे हैं और ये भटकाने का कोशिश कर रहे हैं फेसबुक पोस्ट के जरिए। वही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा कि बीजेपी एकजुट है, सरकार और संगठन मजबूती से काम कर रहे हैं। आप ये ट्वीट देख सकते हैं जिसे हरीश रावत ने ट्वीट किया था। कांग्रेस महासचिव श्री हरीश रावत द्वारा किया गया ट्वीट कांग्रेस की अंदरूनी हालात से जनता का ध्यान बटाने की कोशिश मात्र है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पूरी तरह से एकजुटता है और पूरी पार्टी और सरकार मिलकर प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में सरकार और प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी के नेतृत्व में संगठन उत्तराखंड में एक नई विकास की परिभाषा लिख रहा है। हमारे सहयोगी पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर और विस्तृत जानकारी के साथ। तो पंकज, जिस प्रकार से हरीश रावत ने ये पोस्ट लिखी है, पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अस्थिरता फैला रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सही में ऐसा कुछ कर रही है, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हरीश रावत कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाइयों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर कहा जाए तो हरीश रावत की जो पोस्ट है उस पर कई सवाल तो जरूर उठते हैं कि उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों किया, लेकिन एक तरीके से इसको जो सियासी गलियारे में माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बचाव में उनकी पोस्ट ज्यादा नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से अस्थिरता की बात हो रही है, और कल जब R9 में उन्होंने उनका फोनो भी हो रहा था तो उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि किसी को भी 5 साल मिलने चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री अगर काम कर रहा है तो उसको 5 साल मिलने चाहिए और वो 5 साल काम करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अगर बीजेपी भी इस बात की कोशिश हो रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाए और किसी और को बनाया जाए, नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, तो हरीश रावत ने उस पर मुखालफत की है उस बात की, और साफ तौर पर इस बात को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी अस्थिरता फैला रही है। और इससे पहले भी अगर कहा जाए तो इसका इतिहास उत्तराखंड में पुराना है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों में किस तरीके से अस्थिरता रही है और राज्य में अस्थिरता फैलाई है और उसके बाद मुख्यमंत्री नेतृत्व परिवर्तन किया। बीजेपी अपनी इस समय जब हरीश रावत का ट्वीट आया तो उसके बाद बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि भाई अब ये हरीश रावत का जो ट्वीट है वो कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है उससे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है और बीजेपी सरकार में और संगठन में बड़ा मजबूत होके काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से धुआं उठ रहा है और धुएं में हल्की हल्की चिंगारी भी उठ रही है, वरना हरीश रावत जैसा कद्दावर नेता ऐसी बात बोलता ही नहीं। जी पंकज, क्या जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझ ले कि हरीश रावत जिस तरीके से पोस्ट की है तो वो कांग्रेस के कलह को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके अंदरूनी लड़ाइयां चल रही हैं? अब मुझे नहीं लगता, उसके लिए वो बहुत और दूसरी पोस्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी लड़ाई है उसके लिए हरीश रावत जिस दिन चाहे उस दिन अपनी उन लड़ाइयों को समाप्त कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंदरूनी बीजेपी के अंदर चल रही है दिल्ली चुनाव के बाद से, और दिल्ली चुनाव ही नहीं इससे पहले भी इस बात को लेकर बहुत कोशिशें हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री हैं, जो जिनको ईमानदार छवि का कहा जाता है, उनको कुर्सी से या फिर मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं अंदर खाने,
लेकिन अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का अपना अपना काम करने का स्टाइल है, और वो शायद कई लोगों को पसंद नहीं आता जी है, पंकज। उसके चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, तो उसकी वजह से अंदर खाने इस बात की कोशिशें हो रही हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाए। तो हरीश रावत का जो ट्वीट है वो इस बात को उजागर करता है। अभी अंदर खाने ही चल रहा था ये तमाम चीजें, लेकिन हरीश रावत ने ये जी तमाम चीजें सार्वजनिक पटल पर ले आई है कि भाई जी बीजेपी ऐसा करने जा रही है। तो ये एक तरीके से अलार्मिंग अलार्म की कोशिश हरीश रावत ने की है कि अगर बीजेपी इस तरीके का कर रही है तो वो सबके सामने इस बात को उजागर कर दिया जी उन्होंने जी।